गैस, बिजली, अद्वियात और किचन आइटम्स एसेंशियल की कीमतों की वजह से आवाम तकलीफ में है। एक और बजट जिसको मैं सुपर बजट कहना चाहता हूँ वो IMF के प्रेशर में पेश कर दिया। खुदा के लिए IMF पार्ट ऑफ द सोल्यूशन नहीं है, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। ट्रेन मार्च कर रहे हैं आप लोग सर? जी बिल्कुल, इस वक्त ट्रेन मार्च जो है वो मुल्तान पहुंच चुका है। ये महंगाई के खिलाफ ट्रेन मार्च हैं और जो आवाम इस वक्त तकलीफ में है, पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली, अद्वियात और किचन आइटम्स एसेंशियल की कीमतों की वजह से आवाम तकलीफ में है। इसके साथ जो टैक्सों का भरमार है, आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो हुकूमत ने बजट पेश कर लिया और दूसरी तरफ जब उस बजट के ऊपर डिस्कशन कंक्लूड हुआ तो एक और बजट जिसको मैं सुपर बजट कहना चाहता हूं वो IMF के प्रेशर में पेश कर दिया। इस सुपर बजट में आपने देखा कि 10% जो है वो उन्होंने सुपर टैक्स लगा दिया है 13 जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उसके ऊपर, लेकिन ये उसके ऊपर नहीं है, ये दरअसल आवाम के ऊपर है जो कि पासान होगा। इन्होंने सिर्फ बहाना बनाया है, आड़ लिया है कि ये हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि कोई मैकेनिज्म, कोई गारंटी नहीं है कि यह पास ऑन नहीं होगा। इसी तरह इन्होंने IMF के साथ मान लिया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपये फी लीटर का इजाफा महीने में होगा, 50 रुपये तक होगा और इसे 300 रुपीज़ प्लस पे ले जाएगा लेवीज़ के ऊपर। 200 बिलियन रुपये जो इन्होंने तनख्वाहों और पेंशन कीमत में इजाफा किया था उसको वापस लिया जा रहा है। पावर्टी एलिविएशन के टैक्स के नाम पर 4% टैक्स जो है वो तमाम लोगों के ऊपर लगा दिया है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि 11 अप्रैल से 21 जून तक जो रुपए की डिवेल्यूएशन हुई है तो पाकिस्तान पर बैठे बिठाए 3,600 अरब रुपए का कर्जा इन्होंने चढ़ा दिया है। तो मैं समझता हूं कि इनके पास कोई और आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग नहीं है। पुरानी हुकूमत भी कर्जे ले रही थी, IMF के साथ माहिरे कर रही थी, महंगाई कर रही थी, टैक्सों का निफास कर रही थी, प्रोटोकॉल कल्चर इस्तेमाल कर रही है, ये कर रही है। लेकिन इस चीज से होगा क्या? जो आप ट्रेन मार्च कर रहे हैं, इस्लामाबाद पहुंचेंगे, उसके बाद क्या लाए मल आपका? देखे, हम तो आवाम के दर्द को, आवाम के तकलीफ को जबान देना चाहते हैं, आवाम की जो इस वक्त एहसासात है उसकी तर्जुमानी करना चाहते हैं। ये तो एक सिंबॉलिक एक्टिविटी है और एक एहसास है, एक बात है जो हम हुक्मरानों को बताना चाहते हैं कि आवाम तकलीफ में है, आवाम दर्द में है। एहतजाज का एक तरीका है, प्रोटेस्ट का एक तरीका है, एक जमहूरी राइट है। हम आवाम के दर्द को इस महंगाई के खिलाफ ट्रेन मार्च के जरिए से हुक्मरानों के सामने रखना चाहते हैं कि खुदा के लिए IMF का अड्डा पाकिस्तान को मजीद ना बनाओ। आवाम के अंदर टैक्सों का मजीद बोझ उठाने की सकत नहीं है, आवाम महंगाई के अजाब को मजीद बर्दाश्त करने की सकत नहीं है। खुदा के लिए IMF पार्ट ऑफ द सोल्यूशन नहीं है, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। आप टैक्स इवेजन जो हो रहा है 3,000 अरब रुपए उसके ऊपर हाथ डालें। आप लोग नॉन डेवलपमेंट ये सब नहीं करेंगे तो फिर हम लोग डिफॉल्ट की तरफ चले जाएंगे ना। IMF हमारे पास कीमतें नहीं है अदा करने की। आपको ये बताऊं, मैं आपको ये बताऊं, यही तो मैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग को दे रहा हूं कि देखे IMF के पास तो आप 20 से ज्यादा प्रोग्राम के पास गए हैं। IMF के प्रोग्रामात के नतीजे में आपका मसला हल नहीं हुआ है, मजीद बड़ा है। ये जो कर्ज है ये दायमी मरज है, इस मरज से निजात पाओ और देसी हल की तरफ आओ, जो आपका लोकल उसकी सोल्यूशन है उसकी तरफ आओ। लोकल सोल्यूशन क्या है? नंबर एक, 3,000 अरब रुपए वजीर खजाना कहता है टैक्स इवेजन हो रहा है, इस टैक्स इवेजन के ऊपर हाथ डालो, कौन कर रहा है? नंबर दो, इंपोर्ट बिल को कम कर लो, 75 अरब डॉलर आपका इंपोर्ट बिल है। नंबर तीन, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर को कम कर लो। जो शाहाना प्रोटोकॉल आप ले रहे हैं, जो अय्याशियां आप कर रहे हैं, जो 100-100 कनाल के डिप्टी कमिश्नर और DPO और कमिश्नर के घर हैं, इसको खत्म कर लो। नॉन कम्बेट डिफेंस एक्सपेंडिचर, जो गैर जंगी दिफाई अखराज आते हैं, उसको कम कर लो। 500-600 अरब रुपए आप ब्लीडिंग SOEs को दे रहे हैं, 500-600 अरब रुपए आप PIA वापडा रेलवे को दे रहे हैं, जो नहीं चल रहे उसको बेचो, उसको बेच नहीं सकते तो उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर ले जाओ, लेकिन उससे जान छोड़ाओ, कौम का पैसा उसके ऊपर ना लगाओ। इसी तरह आवाम की सतह पे आओ, सादा तर्जी जिंदगी। ये तो आपने इनसाइड बोर्ड के अंदर की सूरत हाल बता दी ना, लेकिन आपको पता है सर, बजट के तीन बड़े आदाब होते हैं, तीन चीजें होती हैं जिसमें सबसे ज्यादा अदायगियां होती हैं, जिसमें से एक IMF से लिए गए कर्जे का सूद अदा करना होता है, ये भी एक सबसे बड़ी अदायगी होती है। इसको कैसे करेंगे? ये तो डॉलर्स में होती है सर।
मैं आपको यही तो बता रहा हूं कि आप इंपोर्ट बिल को कम करें, आपके पास चंद अरब डॉलर आ जाएंगे। आप रिमिटेंसेस को बढ़ाएं, आपके साथ चंद अरब डॉलर आ जाएंगे। आप एक्सपोर्ट के लिए स्पेसिफाई कर लें कुछ, मसलन हमारे आईटी के अंदर बहुत पोटेंशियल है, हमारे टेक्सटाइल के अंदर बहुत पोटेंशियल है। यही वो लोकल सोल्यूशन है जिसकी तरफ मैं इंक्वायरी चाहता हूँ। कर्जे लेना, कशकोल लिए फिरना कोई सोल्यूशन नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।